गाड़ी दो पहियों वाली। दरवाजा है मेरे घर में, वहां से आ सकती थी ना। ज्यादा रोमांटिक है ना। उतरो। अरे मेरी कमर। इधर 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 धीरे धीरे। दर्द का है? कमर पे। तो उल्टे हो ना। हाँ। आराम से। तो माँ बेटी दोनों का दिमाग खराब है एकदम यार। मतलब एक के सिंग हो गए मैं, दूसरे के पर निकले मैं, पता नहीं। फोन नाम की भी कोई चीज होती है, फोन कर लेती। इस उम्र में ये उछल कूद करने की क्या जरूरत थी? कम से कम सीढ़ी लगाकर बालकनी से उतरी है। ओके। कहाँ था? राइट राइट में। और राइट नहीं, थोड़ा लेफ्ट। नीचे, ऊपर 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 तो नीचे, थोड़ा ऊपर, सेंटर में। मजाक सूझ रहा है ना? मेरी भद पिटी है तुम्हें, बड़ा मजाक सूझ रहा है, उड़ाओ मजाक। अरे यार मजाक कर रही थी ना तुम्हारा मूड ठीक करने के लिए। और उस रात तुम आए थे ना बालकनी में चढ़ के अपनी ब्राउनी लेकर, कितना रोमांटिक था, बस वही करने की कोशिश कर रहे थे। पर ब्राउनी नहीं, हाँ जलेबी लेकर आई। जलेबी देखती हूँ ना तुम्हारी याद आ जाती है। क्योंकि मैं जलेबी जैसा मीठा हूँ? नहीं, जलेबी जैसे सीधे, गोल 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 गोल। सारी खामियां वैसे मुझी में, खड़ूस मैं हूँ, खुदगर्ज मैं हूँ, दूसरों का फायदा उठाने वाला मैं हूँ। मतलब कोई लड़की मुझसे क्यों प्यार करेगी, मुझसे क्यों शादी करेगी, तुम्हें तो और बेहतर मिल जाएंगे। प्यार से एक बात की गारंटी होती है कि लाइफ अच्छी होती है। इसलिए इस बात की मुझे गारंटी है कि हमारी जिंदगी बहुत अच्छी होगी। प्यार जो है उसमें पर कैसे कटेगी जिंदगी वो नहीं पता, क्योंकि हम कितने अलग हैं, थोड़े से टेढ़े, थोड़े से मेले, थोड़े से गोल, थोड़े से सीधे, थोड़े ऊपर, थोड़े नीचे। मैं जलेबी, तुम चाशनी। बिल्कुल, दोनों अलग अलग जिंदगी में अधूरे हैं, पीके हम। बिल्कुल, दोनों का एक साथ आना बहुत जरूरी है जिंदगी को मीठा बनाने के लिए। जल्दी समझ गया। ये तो खत्म कर लूं पहले। पर एक बात दिमाग में आ रही थी मेरे, तो जलेबी का आइडिया था किसका? मिया का। वो कहती है कि मीठे से तुम्हारा मूड ठीक हो जाता है, तो मैं ले आई, देखो ठीक हो गया। अरे मुझे ना खिलाओ ना। नहीं मैं नहीं, थोड़ा सा तो ले। अरे खाइए ना। ज्यादा खाऊंगी ना मोटी हो जाऊंगी ना, लहंगे में पतली लगना है मुझे। अगर तुम्हारी माँ नहीं मानी ना तो बात लहंगे तक पहुंचने भी नहीं वाली। वैसे मान जाएगी, अभी तक तुम्हें समझ नहीं पाई है ना, जब तुम्हारे दिल को समझेगी मान जाएगी। वो तुझे एक बार कह दिया, मुझे तेरी सेल में इंटरेस्ट नहीं है, तेरी समझ में नहीं आ रहा क्या? अरे दीदी आप बात मान नहीं रही है, आप समझ नहीं रही है, ये कोई नॉर्मल सेल नहीं है। यहाँ पे एक पंजाबी सूट पे दो पंजाबी सूट मुफ्त, मुफ्त, मुफ्त। एक के साथ दो मुफ्त, मतलब बिल्कुल ही घटिया माल होगा तेरा। नहीं चाहिए मुझे तेरा ये घटिया माल। अरे 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 दीदी आप समझिए बात को, ये जलंधर से सूट है, ये एकदम फुलकारी दुपट्टे वाली, ये लॉकडाउन डील है। आज आखिरी दिन है, मैं आपको एड्रेस भेज दूंगी, बिल्कुल वही एड्रेस पे आइएगा, ठीक है? अच्छा तो ठीक है फिर, एड्रेस भेज दे मुझे। हाँ? अब कह तो दिया आ रही हूँ, अब क्या उड़ के आ जाऊं? हाँ ठीक है, डील अच्छी है। क्या कहा? खाजी प्लीज बोलना यार, प्लीज। आ रही है। ओ आ रही है, मुझे ना पता था, मतलब आंटी को कुछ भी ऐसा मुफ्त 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 मिल जाए ना दौड़ के आ जाएंगी वो। या चलो चलते हैं, प्रोजेक्ट पम्मी पड़ाव करने के लिए लेट हो रहा है। चल 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 चल
अरे वो अरे कुनीत जी, आप अंदर से कैसे? हाँ आप कब आई? अबे ओ हेलो, मुद्दे पे रहो, कुछ पूछ रहा हूँ मैं। क्या करने के जा रहे हो? प्लान क्या है? इसके माँ से मिलने जा रहे हो? हाँ, हाँ, नहीं नहीं ना 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 हाँ ना नहीं जा रहे हैं पक्का। जा रहे हैं मिलने, जा रहे हैं। चलो बेटा अभी मत जाओ ना प्लीज, अभी अभी बात बिगड़ जाएगी। अरे यार मासी कुछ नहीं होगा, आप लोग रिलैक्स करोगे क्या थोड़ा? कुछ नहीं होगा बोल रही हूँ। दिमाग खराब है तेरा, कुछ नहीं होगा। मैं तो शेरनी के मुंह के अंदर जाके अपना सर डालेगी, वो लड्डू खिलाएगी इन लोगों को ना। अरे अभी वो बहुत गुस्से में है, दिमाग बहुत खराब है, कुछ ऊट पटांग बोल दिया ना तो किसी को नहीं होगा। प्लीज आप कोई फिक्र मत कीजिए, हमने सब सोच लिया, सब प्लान बन लिया, हम सब संभाल लेंगे। पता नहीं लड़की क्या कर, समझ में नहीं आ रहा बिल्कुल। यहाँ चले, वो जा रहे हैं यहाँ पे खड़े। बात तो सुन, सुन 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 सुन, अरे चुप सुन, चुप बोलो, बात तो सुन मेरी। तू नहीं 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 मेरे डैड को कोई रिजेक्ट नहीं कर सकता। अरे नियो मत, क्या आप बैठ के चाय पिएंगे? कुछ कीजिए, बच्चे गए। आइए 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 ना, यहाँ सेल चल रही है ना। हाँ बिल्कुल सही है। अच्छा लगी है ना? पर ये तो ऑफिस लग रहा है, मैं लगता गलत आ गई हूँ। नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल सही जगह पे आया हो। किसने कहा सेल लगी है ना? ये देखो कुछ लगाया हमने यहाँ पे तो। अच्छा। वही है अपनी स्पेशल ऑफर आ गई। ये देखो तो, हाँ ये देखो। नमस्ते, सेल में आपका स्वागत है, आइए बैठिए। ये क्या बदतमीजी है? अरे आंटी जी, कहाँ जा रहे हो? अब आ गए हो, पांच मिनट बैठ जाइए ना। नहीं बैठना मुझे यहाँ पे। आंटी मुझे बात करनी है आपसे। मुझे तुम लोगों से कोई बात नहीं करनी है। अरे सारे के सारे झूठे हो तुम, मुझे जाने दो। यहाँ जो भी आता है ना वो हमारी मर्जी से जाता है। कोई ऐसी वैसी साड़ी की दुकान नहीं है, जब तक हम साड़ी बेच ना देना हम उसे जाने नहीं देते। बैठो, आइए आइए। अच्छी दादागिरी है ये तो, ये कोई जबरदस्ती है क्या? और नहीं रहना मुझे यहाँ पे। चलिए चलिए चलिए, आपको असली अंबर शर्मा से मिलाते हैं। कबीर, अंबर शर्मा। फिफ्टी वन ईयर्स के, एक लौती बेटी के साथ गाजियाबाद में रहते हैं। पड़ोसियों से लड़ते हैं, डिलीवरी बॉय पे चिल्लाते हैं, ना किसी से बात करते हैं, ना किसी को घर बुलाते हैं, और क्या बोलते हैं उनको? खड़ूस। खड़ूस, खड़ूस भी बोलते हैं और अकड़ू भी बोलते हैं उनको काफी लोग। तू मुझे अपने बाप के बारे में क्यों बता रही? अरे मैं जानती हूँ उसकी बदतमीजियों के बारे में, और मुझे नहीं सुनना ये सब, मैं जा रही हूँ यहाँ। आंटी जी बैठ जाइए। आंटी जब आपका बीपी हाई हुआ था ना तो किसने मदद की थी आपकी? बोले ना। अंबर शर्मा। जब होली पे आप पी के गुम हो गई थी तो किसने मदद की थी आपकी? हाँ? रुको! तू? तू यहां भी आ गया? अंबर, घर कम किराए पे देना, अपने किचन में खाना बनाने देना, केके को पकड़वाना, आपकी सारी प्रॉब्लम्स में किसने मदद की थी बोले? इसी खड़ूस ने की थी। अंबर शर्मा, फिर भी आपने उनको खुद गर्ज कहा, आपने कहा कि वो किसी से प्यार नहीं कर सकते। यार मैं तो कह रही हूँ ना कि अंबर शर्मा जैसा इंसान ना इस पूरी दुनिया में आप लोग ढूंढ लोगे ना फिर भी नहीं मिलेगा आपको। चलिए आपको उस अंबर शर्मा से मिलवाते हो जिसके बारे में ना कोई नहीं जानता है। ये वो अंबर शर्मा है जो सिर्फ मेरे डैड नहीं, मेरे दोस्त, मेरी टीचर, मेरे रक्षक, और पिछले 9 साल से ना मेरी माँ भी बन गए।
मेरे लिए घोड़ा बनना, मुझसे लड़ना, जोकर बन के हंसाना, डांट के रुलाना, मतलब सब किया है, लेकिन इतने सालों में ना मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ा है। गाड़ी चलाना सिखाया है, दारू पी इनके साथ मैंने अपने दोस्तों को, मतलब कॉफी पिला के, कड़वी कॉफी पिला के भगाया है उन्होंने। आपको लगता है ना वो खुदगर्ज है? बहुत खुदगर्ज है, इतने खुदगर्ज है ना, लेकिन अपने लिए नहीं, मेरे लिए, मेरे लिए खुदगर्ज है। मतलब रोज दो मल्टीविटामिन्स, एक ग्लास दूध, एक हरी सब्जी, रोज मेरे साथ बैठना, हर छोटी बड़ी बात बताना। पिछले 9 सालों से ना हमने वो हर चीज करी और एक दिन भी ना वो रूटीन नहीं बदला है, पता है क्यों? उनकी वजह से। तो वो मुझे दबा नहीं रहे आंटी, मुझे मुझे गिरने से, मुझे चोट लगने से बचा रहे। आपको पता है हम बशर्म ऐसे क्यों है? क्योंकि उनसे ना कुछ भी आधा अधूरा नहीं होता, चाहे वो नफरत हो, लड़ाई हो, प्यार हो। आंटी आपको डर है ना कि गुनीत जी की क्या लाइफ होगी डैड के साथ? मुझे पता है किस बात का डर है, कि डैड ना इतना प्यार करेंगे गुनीत जी को, इतना प्यार करेंगे ना कि गुनीत जी कभी उनके बराबर ही नहीं कर पाएगी। आपको डेफिनेटली मतलब डैड से कहीं 1000 गुना अच्छे दिखने वाले, ज्यादा पैसे कमाने वाले, कम लड़ने वाले, मतलब बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, लेकिन डैड के जितना प्यार करने वाला लड़का ना कभी नहीं मिलेगा गुनीत जी को। आपको डील्स पसंद है ना? मुझे नहीं लगता इससे अच्छी बेटर डील मिल सकती है आपको। बहुत प्यार करते हैं आंटी एक दूसरे को और दोनों खुश हैं एक दूसरे के साथ। मान भी जाइए प्लीज। प्लीज आंटी जी, ये सब तो ठीक है पर मैंने जो फैसला कर लिया बस कर लिया। साड़ियां और पंजाबी सूट दोनों पे मैं 50-50% छूट लूंगी। आंटी पंजाबी रस्मों से शादी होगी तो सूट और साड़ियां तो लगेंगी ना। फाइनली आशीर्वाद तो लो उनका। उनका इतनी बड़ी बनी मुझसे? तो तूने अपने डैड के लिए दुल्हन ढूंढी ली ना? जितनी है ना तू एक नंबर की। बेबी किसकी हो? डबल सिटी। वैसे दो पहियों की गाड़ी में तीसरा भैया भी जुड़ गया, एक काम करते हैं उनको भी बुला देते हैं। अरे यार अच्छी वैसे हाई एंड मोटरसाइकिल थी हमारी, तूने ऑटो रिक्शा बना दिया उसको। वाहियात बहुत वाहियात। ओ जी वेलकम टू मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस, लीजिए साइन कीजिए। बधाई हो जी, बधाई हो। 50 साल में शादी करने का यही बेस्ट तरीका है जी। कहाँ घोड़ी चढ़ते, कहाँ फेरे लेते, इतने में तो सांस ही भूल जानी थी आपकी। है जी। ओ जी मैं तो कहता हूँ बढ़िया है ना, ताम झाम ना बराती,
बेस्ट कपल है जी आप। बराती तो है। साइन करूं रहने को? जी साइन कर। थैंक यू। तैयारी करो डैड के रोके के लिए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।